गुड इवनिंग एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में मुझे उम्मीद है सभी लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और जो लोग जुड़ चुके हैं वो मुझे बता दें कि क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक तो बिल्कुल साफ पहुंच रही है ऑडियो वीडियो परफेक्ट है कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है ताकि आज की बातचीत की शुरुआत की जा सके वेरी गुड इवनिंग नीतू एक बार मुझे कन्फर्म कर दें सभी लोग कि आवाज में कोई दिक्कत नहीं है फिर आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं मैं अपनी ओर से भी एक बार चेक कर लेता हूं आई थिंक यहां से चीजें परफेक्ट हैं आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखते हुए आए हैं हम लोगों ने जो शुरुआत में बातें सीखी आप लोग के पूरे रियल एनसीज के सफर में वो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एक बार नहीं बार बार काम आ रही होंगी जो हम लोगों ने शुरुआत में नंबर सिस्टम पढ़ा वो ना जाने आपको कितनी बार देखने को मिल रहा होगा जो बात ने हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट को लेके देखी वो आपके हर पेपर में यूज हो रही होगी सो so, जिन लोगों ने उन वीडियोज को देख लिया है तो उन्हें रिवाइज करते रहना बार बार जब भी हम उनका यूज करेंगे तब वो चीजें याद आनी चाहिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो प्ले में आप लोगों के लिए अवेलेबल है तो आप उन्हें देख सकते हो ठीक है शिवानी क्लियर है आवाज आ, प्रीत गुड इवनिंग बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है मैं नजर भी आ रहा हूं बहुत बढ़िया उत्कर्ष वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में आज की बातचीत की शुरुआत कुछ अच्छे सवालों के साथ करेंगे हम लोगों ने जितनी बातें सीखी हैं हम लोग उनको लगातार अपने सवालों पर लगाकर देख रहे हैं कि जो बातें सीखी हैं उनको बेसिकली अप्लाई कैसे किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पास कि सवालों में स्टेप बाय स्टेप सोचते कैसे हैं कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों ने सीधा रिजल्ट देखे उन पर बेस्ड सीधा हम लोग जवाब दे सकते हैं बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कि हम लोगों को नए सिरे से सोचना होता है तो उन सवालों के जरिए हम लोग उस सोच को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं चलिए तो एक सवाल मैंने आप लोगों को लास्ट लास्ट लेक्चर में दिया था आप लोगों को याद होगा हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे कि यदि आपको एक सेट दे दिया जाए उन सारे फंक्शंस का जो कि रैशनल सेट कंटेनिंग से टू एलिमेंट्स जीरो एंड वन इस पर डिफाइन किए गए हो तो आप लोग ये सेट तो पहले कर कर आए हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ एक वो सेट हो जिसमें सारे वो फंक्शंस बैठे हों जो कि रेशनल से सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट पर डिफाइन किए जा रहे हैं तो ये सेट तो बेसिकली क्या होता है आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट बन जाता है इसे कार्डिनलिटी आप लोगों ने निकालनी सीखी थी टूरिस्ट से आप बता सकते हो बट यहां पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि यहां पर आप रेशनल से सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट पर डिफाइन किए जा रहे सिर्फ वो फंक्शंस ले रहे हो जो कि वैनिश होते हैं आउटसाइड फाइनाइट सेट यानी कि मेरे पास यहां पर जो ये सेट दिया गया है ना ये उस सेट का सबसेट आ रहा है बट ये चीज आप अच्छे से जानते हो यदि कोई सेट मेरे पास ए है जो कि बी का सबसेट है यदि बी अनकाउंटेबल हुआ तो मैं ए पर कोई कमेंट कर नहीं पाता हो सकता है कि ए मेरे पास काउंटेबल आ जाए हो सकता है कि मेरे पास ये अनकाउंटेबल आ जाए दोनों ही संभावनाएं दोनों ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारे पास तो इस सवाल में सोचना कैसे है ध्यान से देखना बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने पहले सीखी हैं आज वो यूज हो रही होंगी स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं अगर आपके पास कभी भी रियल में कोई क्वेश्चन आ रहा हो और जो देखकर लग रहा हो कि बहुत अजीब सा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप पहले उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए जवाब के पास तो आप बाद में जा रहे होंगे अगर सवाल ही सही क्लियर नहीं हुआ तो आंसर के पास तो कैसे ही पहुंचेंगे सोल्यूशन तो कैसे लिख पाएंगे उसका हमारे पास यहां पर वो सारे फंक्शंस दिए गए हैं जो रेशनल से सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट पर डिफाइन किए गए हैं पहली बात क्या नजर आती है कि मेरे पास जो भी फंक्शन होगा उसकी डोमेन क्या होगी डोमेन होगी फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर साथ ही साथ जो कोडोमेन होगी फंक्शन की वो होगी सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स जीरो एंड वन हमारे पास यहां पर बन रहा है यहां पर कहा जा रहा है कि अब रैशनल से जीरो वन पर डिफाइन किए जाने वाले फंक्शन तो अनकाउंटेबली मैनी है बट इनमें से आपको वो चूज करने हैं जो कि वेनिश होते हैं आउटसाइड अ फाइनाइट सेट यानी कि जो जीरो आउटपुट लेते हैं जो जीरो आउटपुट दे रहे होते हैं बेसिकली आउटसाइड अ फाइनाइट सेट यानी कि जब तक मेरे पास इनपुट किसी फाइनाइट सेट से आ रहे हैं तब तो वो वन आपके पास आउटपुट दे रहे हों जब मेरे पास इनपुट उस फाइनाइट सेट से बाहर से आ रहे हैं तब मेरे पास वो आउटपुट में जीरो दे रहे हो यही समझ में आता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं रेशनल नंबर का एक सबसेट उठा लेता हूं डोमेन का सबसेट ही होगा इनपुट तो यहीं से आ रहे होंगे मान लीजिए मैंने एक सबसेट उठा लिया जिसमें कि चार एलिमेंट्स बैठे हुए हैं वन है टू है थ्री है एंड ठीक है आप कुछ भी ले सकते थे क्या ये सबसेट ऑफ रेशनल नंबर है हाँ क्या ये एक फाइनाइट सेट है हाँ अगर मैं इसके कोरस्पोंडिंग फंक्शन यहां पर डिफाइन करता हूं फंक्शन कहां से कहा जिसकी डोमेन रेशनल से फंक्शन मेरे, मेरे, मेरे पास S9 में तब बिलोंग करेगा अगर वो कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा कि अगर मेरे पास इनपुट में कोई भी रेशनल नंबर आए जब जब वो रेशनल नंबर इस फाइनाइट सेट E से है तब तब तो मेरे पास आउटपुट मुझे वन मिल रहा होगा और जब जब ये इस फाइनाइट सेट ई के बाहर से है यानी कि मेरे पास ई e कॉम्प्लीमेंट में है या फिर मैं क्यू माइनस ई भी लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है मुझे या फिर मैं लिख सकता हूं कि X मेरे पास जब ई e में नहीं आ रहा तब तब आउटपुट मेरे पास जीरो बनता हूं मुझे नजर आता है यानी कि इस फाइनाइट सेट के कोरोस्पॉडिंग ये एक फंक्शन बन गया अब किसी बच्चे ने कहा कि मैं अगर e ये जो फाइनाइट सेट मैंने लिया है रेशनल नंबर का इसकी जगह कोई और दूसरा अगर सेट ले लू मैं जैसे कि मैं e ले लेता हूं सेट ऑफ ऑल मान लो मेरे पास फर्स्ट फाइव इवन नेचुरल नंबर यानी कि टू है फोर है सिक्स है एट है टेन है इवन नेचुरल नंबर ले लिए पहले पांच तब भी एक फाइनाइट सेट बनता है सबसे बनता है किसी ने कहा मैं तो तीन ही एलिमेंट लेने वाला हूं वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट फोर वो भी एक फाइनाइट सेट बन गया यानी कि आप लोग देख पा रहे हो जब भी कोई एक फाइनाइट सेट आपको मिलेगा जो कि सेट ऑफ सबसे नंबर है तब तब आपके पास उसके कोरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन बन जाएगा तो मैं एक लाइन कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना तो हमारे पास यहां पर S9 में उतने ही फंक्शंस बैठे होंगे S9 में उतने ही फंक्शंस बैठे होंगे जितने की सेट ऑफ रेशनल नंबर के फाइनाइट सबसेट बनते हैं कितने लोगों को यह बात नजर आती है हर फाइनाइट सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एक कॉरस्पॉन्डिंग एक आपको क्या मिल रहा है यहां पर आपको एक यहां पर मिल जा रहा है फंक्शन कितने लोगों को ये बात नजर आती है उत्कर्ष प्रीत शिवानी नीतू कितने लोग ये बात पकड़ गए कि फाइनाइट सेट लाओ और अपना एक फंक्शन बनाओ कितने लोगों को बात नजर आती है और जिनको ये बात नजर आ जाएगी वो फिर इस सवाल का जवाब देने में क्षण भर नहीं लगाएंगे बताएं एक बात कितने लोगों को नजर आता है नजर आता है नीतू बहुत बढ़िया अब जितना मैंने बताया इसके बेस पर अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर चीजों को सोचे कि अगर मेरे पास जितने फाइनाइट सबसेट ऑफ रेशनल नंबर आ रहे होंगे उतने ही मेरे पास यहां पर फंक्शन बन रहे होंगे यानी कि मुझे क्या देखना है बेसिकली मुझे क्या देखना है हम लोगों को यहां पर सिर्फ यह देखना है कि हमारे पास हमारे पास से एक मिनट हाँ, हमारे पास अगर हम लोग बात करें ये रहा रेशनल नंबर्स का सेट जो कि एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है उंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है जैसे ही हम लोगों ने इसका पावर सेट बनाया पावर सेट ऑफ रैशनल हम लोग जानते हैं अगर दुनिया का कोई भी मेरे पास इन्फाइनाइट सेट है तो उसका पावर सेट हमेशा क्या बनता है एक अनकाउंटेबल सेट बनता है यह बात हम लोग सीख कर आए हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हर वीडियो में इसके बारे में बात की है देन अगर मैं यहां पर बात करूं कि इसके जो फाइनाइट बन रहे होंगे उनकी कलेक्शन को मैं अगर कैपिटल एफ बोल देता हूं और जो इसके इनफाइनाइट सबसेट्स बन रहे होंगे उसके कलेक्शन को मैं कैपिटल आई बोल देता हूं तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे एफ और आई के बारे में ऑप्शन ए है देखते हैं ये आप लोगों का टेस्ट है आज ठीक है मानकर चलो ऑप्शन ए है कि एफ तो मेरे पास काउंटेबल होता है और आई मेरे पास अनकाउंटेबल होता है ऑप्शन बी आप लोगों के लिए है कि एफ अनकाउंटेबल होता है कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स अगर मैं लेता हूं रेशनल नंबर्स के ये अनकाउंटेबल होता है जबकि आई मेरे पास काउंटेबल होता है ऑप्शन सी है कि एफ और आई ये दोनों भाई साहब भी अनकाउंटेबल होते हैं ऐसा हो सकता है अगर एक अनकाउंटेबल सेट है उसके दो अनकाउंटेबल सबसेट मिल सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है और लास्ट मेरे पास कि एफ और आई दोनों काउंटेबल है ये थोड़ी सी बकवास बात है बट फिर भी एक रिजल्ट अगर आपको याद है तभी आप इसे बकवास कह पाओगे बताना शुरू करें चार ऑप्शन आपके सामने हैं इन चार ऑप्शन का जो जवाब बता पाएगा वो सीधा इस सवाल का जवाब भी बता पाएगा बताएं क्या लगता है प्रीत क्या लगता है ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आंसर आएगा उत्कर्ष नीतू ने कहा कि एफ काउंटेबल होता है एंड आई आई अनकाउंटेबल होता है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सभी लोगों को बातें याद हैं समय पर चीजें याद आना बहुत आवश्यक है हम लोगों ने ये बात की थी है ना हम लोगों ने इवन इसका एक छोटा सा प्रूफ देखा था नेचुरल नंबर के लिए कि मेरे पास अगर कोई भी आपके पास जैसे यहां पर एक काउंटेबल इंफिनेट सेट हो जैसे कि रेशनल नंबर है अगर मैं उसका पावर सेट बनाता हूं वो एक अनकाउंटेबल सेट आता है अगर मैं उससे सारे के सारे फाइनाइट सबसेट्स को इकट्ठा कर दूं तो ये क्या बन जाता है ये बन जाता है काउंटेबल सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स को अगर मैं उसके बारे में बात करूं मैं ये बन जाता है अनकाउंटेबल सेट बहुत बढ़िया हम लोगों ने प्रूफ किया था याद है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया प्रीत अनकाउंटेबल सेट सो काउंटेबल सेट आपके पास एफ बन गया और आई बन गया अनकाउंटेबल सेट अब अगर आपको ये पता चल गया कि आपके पास जो पावर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं इसके बेसिकली अगर मैं बात करूं इसके अगर सारे फाइनाइट सबसेट्स को आप अलग निकाल कर रख लेते हो इसमें से तो ये कलेक्शन जो बनती है काउंटेबल सेट बनता है यानी कि रेशनल नंबर्स के मेरे पास जो फाइनाइट सबसेट्स बन रहे होंगे वो तो काउंटेबली में नहीं बन रहे होंगे और हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग एक आपके पास क्या मिलता है ये फंक्शन मिलता है तो अगर आपसे किसी ने पूछा एस नाइन काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल आएगा तो क्या जवाब है एस नाइन बताएं सभी लोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल बताएं दो ऑप्शन है आसान है तो पता चल गया ना जितने मेरे पास फाइनाइट सबसेट्स ऑफ रेशनल नंबर बनेंगे जो कि क्या बने थे काउंटेबली मैंने तो आपके पास ये फंक्शंस भी कितने बनेंगे काउंटेबली मैंने बन रहे होंगे यानी कि मेरे पास S9 जो कि देखने में थोड़ा सा अजीब सेट था ये भी काउंटेबल बन रहा होगा बहुत अच्छे प्रीत यानी कि हम लोग क्या देख पा रहे हैं मुझे बताना कि अगर हम लोगों के पास कोई एक बहुत अच्छा सवाल भी बन रहा है वो भी हमारी सीखी हुई चीजों में से दो चीजों को मिक्स कर, कर ही तो बन रहा है बस ज्यादा से ज्यादा जो हमने अभी तक सीखा हम लोग हिस्सों में बातें करते आ रहे थे पहले हम लोगों ने बात की कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल होगा फिर हम लोगों ने कहा उसके सारे फाइनाइट सबसेट्स काउंटेबल होंगे सारे सबसेट्स को अगर इकट्ठा किया तो अनकाउंटेबल बनेगा और अब ये जो सवाल आ रहे हैं देखने में थोड़े बेहतर सवाल है बट स्टिल हम लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि चीजें वहीं से निकल रही है सोचना बेसिकली उस फाउंडेशन से ही है ठीक है ये बात हमें नजर आनी चाहिए बहुत अच्छे उत्कर्ष अब ये रिजल्ट अगर मैं आप लोगों के सामने लिख दू दो रिजल्ट लिखे हुए हैं इनको लेकर किसी को कोई परेशानी कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए कि अगर मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी ए सबसेट ऑफ बी आता है यदि बी काउंटएबल है तो ए शत प्रतिशत काउंटएबल बन रहा होगा इवन हमने इसे प्रूफ किया है दूसरा अगर ए सबसेट ऑफ बी है यदि ए अनकाउंटएबल आ जाता है तो शत प्रतिशत मेरे पास बी अनकाउंटएबल बन रहा होगा इसके अलावा किसी बात में हम लोग शॉर्टशॉर्ट कुछ कह नहीं सकते हैं यदि ए सबसेट ऑफ बी आया ए काउंटेबल आया तो बी कुछ भी हो सकता है काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी हो सकता है और अगर ए सबसेट ऑफ बी है बी अनकाउंटेबल आया तो ए मेरे पास कुछ भी हो सकता है काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी ये बातें हम लोगों ने सीखी हुई है बट ये दोनों के दोनों आप लोग मान सकते हो कि बहुत काम में आने वाले आपके पास तरीके हैं जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसा आप लोगों के पास एक रिजल्ट था काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट मेरे पास काउंटेबल होता है वैसे ही ये रिजल्ट है कि कभी कभी यदि मेरे पास एक ऐसा सवाल आ गया जिसको देख कर हम लोगों को थोड़ी घबराहट हो रही है उस सेट को मैं छोटा कर कर या उस सेट को बढ़ा कर बड़ा कर कर अगर पढ़ूं तो थोड़ी जिंदगी आसान हो जाती है तो उस तरह के सवालों में काउंटेबिलिटी चेक करने के लिए बहुत मददगार चीज है हमारे पास जैसे कि एक अगर मैं आप लोगों के सामने सेट लिखूं हम लोग S9 तक पहुंच चुके हैं तो ये आप लोग मानकर चलिए ये आपके पास S10 है आपका S10 सेट। ये सेट बेसिकली क्या है उन सारे के सारे ओर्डर्ड पेड़ कलेक्शन जहां पर एक्स वाई कहां से आता है आर टू से यानी कि दोनों के दोनों रियल नंबर्स बैठे हुए हैं सच दैट मेरे पास जो वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है अब ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये क्या है सेट पहले इस सेट को समझते हैं फिर इस सेट की काउंटेबिलिटी पर थोड़ा सा फिर हम लोग चर्चा करेंगे उस पर कमेंट कर रहे होंगे आप लोग बचपन से देखते आए हैं इस तरह का सेट अगर आपको ड्रॉ करना हो मुझे बताना सबसे पहले इस तरह का सेट आया तो बहुत छोटी क्लास में था बट आप लोगों ने ग्यारहवीं बारहवीं में कभी ऐसा ड्रॉ किया था क्या जब आप लोग अपनी इलेवेंथ क्लास में थे कितने लोगों को याद है कि अक्सर एग्जाम्स में छे नंबर का सवाल आया करता था बताना एक बार याद आता है क्या हाँ याद आता है एच वाई ए फटाफट कमेंटे बता दो समय ही बचेगा कितने लोगों को याद आता है कि छह नंबर का आया करता था है ना कि पहले रीजियंस ड्रो करने को कहा जाया करता था फिर उनमें से कॉमन सॉल्यूशन क्या बन रहा होगा वो रीजन ड्रो करने को कहा जाता था आई थिंक एक ही सवाल आया करता जिसमें ड्रॉ करना पड़ता था कुछ लोगों को बात याद आई क्या बचपन की हालांकि ड्रॉइंग तो थोड़ा सा कुछ लोगों का हाथ टाइट रहता है ठीक है बट ये तो मैथ वाली ड्रॉइंग है इसको लेकर चिंता नहीं करनी है है ना हम लोग किस क्लास में थे ग्यारहवीं क्लास में आता है याद आता है नीतू है ना छह नंबर पूरे बन जाया करते थे जस्ट रीजन को हम लोग वहां पर ड्रॉ करते थे वैसे हम लोग आज ड्रॉ करने वाले हैं क्या वाई इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रॉ कर लीजिए फिर ये देखना हुआ करता था कि हमारे पास ये रीजन कौन सा बन रहा होगा वो किस बेस पर डिसाइड करते थे कुछ लोगों को बात याद आएगी उस समय बहुत अच्छे से हटवा दिया करते थे सभी टीचर्स कि पॉइंट पुट कर कर देखो है ना पॉइंट पुट कर कर देख लो जहां पर मेरे पास बेसिकली जो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर गया वो वाला रीजन बन गया जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन मेरे पास ये बन रही है थोड़ा सा इसे बना लेते हैं वाई इक्वल टू एक्स लाइन बन रही है y इक्वल टू एक्स लाइन मेरे पास यहां पर बैठी हुई है यहां पर मेरे पास एक पॉइंट होगा ना वन कोमा जीरो बिल्कुल होगा यहां पर एक पॉइंट होगा ना जीरो कोमा टू उत्कर्ष ने कहा जीरो थे बिल्कुल कह दिया करते थे बट तब कहा करते थे जब मेरे पास हम लोग जो ये लाइन है थोड़ी थोड़ी ऊपर या ताकि जीरो कोमा जीरो चेक कर लिया जाए बट जब लाइन जीरो कोमा जीरो में से पास कर रही है अब तो दो हिस्से बने ना एक बना ये वाला हिस्सा वन और एक बना इसके नीचे वाला हिस्सा टू दो हिस्से बने ना अब आपसे यह कहा जा रहा है कि मेरे पास वन या टू में से कौन सा हिस्सा यहां पर बैठा हुआ है पहला अगर मैं उसी तरीके से बात करने की कोशिश करूं जैसे कि बचपन में हम लोग किया करते थे कि पॉइंट पुट करके देख लो अगर मेरे पास जीरो कोमा टू लाई कर गया इस सेट में तो हमारे पास सीधा हम लोग बात कर देंगे कि फर्स्ट वाला जो रीजन है वो आ रहा होगा अगर वन कोमा जीरो सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग कह देंगे कि मेरे पास सेकंड वाला आ रहा होगा बट हम लोग जानते हैं ना कि वन तो मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है जबकि यहां पर कौन से आने वाले हैं जिनके लिए एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है यानी कि ये रीजियन नहीं बन रहा होगा इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास इंक्लूडिंग दिस लाइन क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स यहां पर इंक्लूड हो रहा है है ना वाई इक्वल टू एक्स मेरे पास इंक्लूड हो रहा है तो हम लोग बेसिकली इस लाइन को भी इंक्लूड करते हैं और इसके ऊपर वाला सारा हिस्सा भी मेरे पास आ रहा होगा यहां ये यह आ रहा होगा इवन अगर आप यहां पर देखना भी चाहें वाई इक्वल टू एक्स लाइन ये है अगर हम इसमें ऊपर जाएंगे तो वो वाले वाई आ जाएंगे जो एक्स से बड़े हैं इसमें अगर नीचे जाएंगे इस लाइन से तो वाई लेस एक्स बन जाएगा तो सीधा ही मैं कह सकता था कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन को ले लो और वाई ग्रेटर देन एक्स में इससे ऊपर वाले सारे पॉइंट आ रहे होंगे बट पॉइंट वाला तरीका एक बहुत प्यारा तरीका है बचपन से करते आए हैं तो वो बिल्कुल याद रहता है आसानी से बता पाएंगे हर जगह जवाब दे रहा होगा ठीक है सो ये इलाका आपको दिया गया, गया और पूछा जा रहा है कि ये सेट काउंटेबल बनेगा या अनकाउंटेबल अब इस सेट को समझने के लिए छोटी सी बात ध्यान से देखिएगा अगर मैं सेट एस टेन के बारे में बात करूं वहां पर अगर मैं इस सेट को ऑब्जर्व करूं कि वो सारे एक्स वाई ले लीजिए बिलोंग्स टू आर टू सच दैट जहां पर वाई बराबर एक्स आता है इसको ध्यान से देखो वाई बराबर एक्स अब आपको पता है कि ये लाइन अब रियल नंबर लाइन ऐसी थी आपके पास हल्का सा टेढ़ा हो गया इसका मतलब क्या है कि अभी भी आपके पास अनकाउंटेबल है, है।, है, है? है हमारे पास हमने टेढ़ा कर दिया था अब ये आपके पास अनकाउंटेबल सेट है तो सीधा हमारे पास क्या आ गया एस टेन भी एक अनकाउंटेबल सेट बन गया एस टेन क्या आएगा अनकाउंटेबल सेट बन रहा था होगा। देख पाना हमारे लिए आसान है बट बच्चे के मन में ये आया कि अगर मैं इसमें y इक्वल टू एक्स लाइन को चलो हटा देता हूं यानी कि बच्चे के मन में क्या आया कि मैं क्या इस सेट के बारे में भी बात कर सकता हूं इस सेट के बारे में मान लो का मैं एक नया नाम रखता हूं न्यू क्या वो सारे के सारे एक्स वाई लेने हैं आर टू में सच दैट जिनके लिए वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स है तो क्या तब भी ये सेट अनकाउंटेबल आएगा हाँ तब भी ये सेट अनकाउंटेबल आएगा क्यों क्योंकि हमारे पास वो एक लाइन तो चलो चली गई y इक्वल टू एक्स बट क्या अभी भी एक स्ट्रेट लाइन ये पड़ी हुई है यहां पर बिल्कुल ऐसी तो इनफाइनाइटली मेनी पड़ी हुई पर सारी लाइन्स जो आपके पास y इक्वल टू एक्स ये आया y इक्वल टू हमारे पास x प्लस वन कर लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस टू कर लीजिए वो सारी की सारी लाइन्स मुझे यहां पर नजर आ रही होंगी है ना हम लोगों को बात नजर आती है यानी कि हमारे पास ये सेट तब भी एक अनकाउंटेबल सेट बन रहा होगा कितने लोगों को ये तरीका नजर आता है कि हमारे पास y ग्रेटर वाई इक्वल टू x पूछ लें वाई लेस x पूछ लें y x पूछ लें ये सारे सेट अनकाउंटेबल सेट बनते हैं अगर मैं अपनी बात को थोड़ा सा खत्म करते हुए यहां पर लिख दूं कि इसके बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी ऐसा कोई सवाल पूछा गया y लेस देन इक्वल टू एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई लेस देन एक्स वाई ग्रेटर सारे के सारे हमेशा अनकाउंटेबल सेट बन रहे होंगे अनकाउंटेबल सेट एक चलाकी एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है ध्यान से सुनना. चलाकी क्या है चलाकी क्या है बच्चे को जब भी कुछ ऐसा दे दिया जाए कि x और y की फॉर्म में तो उसे y इक्वल टू एक्स लाइन नजर आती है बट वो हल्का सा कभी कभी नोटेशन में क्या करते हैं ध्यान से सुनना वो कभी कभी नोटेशन ऐसे दे, दे देते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर टू जहां पर आपका मान लो जो बी है वो लेस देन इक्वल टू ए है अब आप एक चीज से एग्री करेंगे मुझे बताना कितने लोग एग्री करते हैं कि यहां पर जब भी ए बी लिखा जाता है तो हमें थोड़ा कम महसूस होता है कि भाई साहब ये दोनों चीजें तो सेम लिखी हुई हैं कितने लोग महसूस कर पा रहे हैं कि हल्की सी नोटेशन क्या बदली वाई लेस देवल टू x देखने की जगह हम तो a और b के जाल में ही उलझ कर रहने लग जाते हैं बट अगर यहां पर b less than equal to a दे दिया गया, इसका मतलब तो सेम ही है अब यहां पर b लेस टू a दे दिया जाए a ग्रेटर देन इक्वल टू b दे दिया जाएस देन b, a ग्रेटर देन b, a इक्वल टू b। तो हमारे पास वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस नोटेशन के यूज टू होते हैं वो नोटेशन कभी कभी वहां पर बदल कर दी जाती है ताकि वहां पर हल्का सा कंफ्यूजन हो ठीक है ऐसा कभी कभी कुछ अच्छे सवालों में जहां पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है वहां पर तो अक्सर किया जाता है कि आप लोग कभी कभी कुछ चीजों को बचपन से अल्फा बीटा गामा मानते आए हैं वहां पर कुछ ऐसे नाम दे दिए कि अल्फा बीटा गामा का ऑर्डर चेंज कर दिया तो वहां पर बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और एग्जामिनर ने अगर आपका तीस सेकंड भी खराब कर दिया तो वो उस सवाल को बनाने के पीछे जो उसका मेन मोटिव था वो उसमें सक्सेसफुल हो चुका है उसे समय ही खराब करना था ठीक है तो इस चीज का ख्याल रखना कि हर सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो और जो बातें सीखी हुई हैं उन बातों में से क्या लगाया जा सकता है फिर वो डिसाइड करो और फिर आगे बढ़ो ठीक है ये बात हमें नजर आनी चाहिए एक अच्छा सवाल अब अगर मैं आप लोगों से अगर मैं आप लोगों से तीन सेट के बारे में और पूछूं तो मुझे बताना सभी लोग कि सेट काउंटेबल आ रहे होंगे अनकाउंटेबल सोच कर बताना है कभी कभी बच्चा भावनाओं में बहकर जवाब बहुत जल्दी देने के चक्कर में गड़बड़ करने लगता है तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि सवाल को सोल्व करते हुए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका धैर्य बनाए रखना जब तक कि आपका आंसर बिल्कुल आपको ये ना लगे कि शत प्रतिशत की यही आंसर बन रहा है तब तक एक्साइटमेंट में आके जवाब नहीं देना है ठीक है तो ध्यान से सभी लोग ट्राई करें क्वेश्चन आप लोगों को यदि मैं एक सेट देता हूं एक्स अपने पास एक्स वाई वो सारे के सारे आर टू में जो बैठे हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर जहां पर एक्स प्लस वाई वन बन जा रहा है इस सेट को देखें एस इलेवन का ए पार्ट रख लेते हैं इसका नाम वो सारे के सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू जहां पर एक्स प्लस वाई इंटीजियर बन जाए और वो सारे के सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू जहां पर एक्स प्लस वाई नंबर बन जाए। ये तीन सेट। इसे देखने की कोशिश करें सभी लोग एस इलेवन पहले बताना है एस इलेवन में मुझे सभी लोगों का जवाब चाहिए किसी एक का भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए बहुत आसान सेट है फिर हम एस इलेवन ए और एस इलेवन सी एस इलेवन सी क्यों नाम रख दिया बी ही बचा हुआ है अभी तो तो बी नाम रख देते हैं इसका ये रहा एस इलेवन बी बताएं इसके बारे में एक एक करके उत्कर्ष नीतु ध्यान से सोचना है बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है ठीक है बट हर सवाल जब भी आपके सामने है उसे कैसे सोचा करो कि ये सवाल एग्जाम के दिन आएगा तो जैसे उस दिन रिएक्ट करने वाले हैं आज से उसी की तैयारी करनी है जैसे ही कोई नया सवाल दिखे तो वैसे ही सोचना है वैसे उसके सवाल के आंसर को अप्रोच करना है बहुत अच्छे उत्कर्ष एस इलेवन तो अनकाउंटेबल आ रहा है शिवानी बहुत बढ़िया दो लोगों का जवाब मेरे पास आ गया उत्कर्ष का जवाब आ गया बहुत बढ़िया उत्कर्ष उत्कर्ष का जवाब आ गया है शिवानी का जवाब आ गया बहुत बढ़िया शिवानी देन देनप्रीत का आंसर आ गया है तीन लोग कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल आ रहा है बाकी लोगों के क्या विचार हैं क्या वो इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर उन्हें कुछ और भी नजर आता है ठीक है मैं हमेशा कहता हूं कि सोचो जितना सोचोगे उतना ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा कि किस रस्ते पर जाना होता है और किस रस्ते पर नहीं जाना होता दोनों बातें अभी सीखते हुए चलना है क्या लगता है नीतू अनकाउंटेबल बन रहा है या नहीं देखो मुझे बताना आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया सोचा कि मेरे पास जो एस दिया हुआ है वो कौन से आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे के सारे आपके पास यहां पर एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू आपके पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू जहां पर एक्स प्लस वाई क्या बन जा रहा है एक्स प्लस वाई आपके पास वन बन जा रहा है इतनी ही बात है मेरे पास यानी कि मेरे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन का मतलब क्या है एक स्ट्रेट लाइन है क्या पासिंग थ्रू रीजन है नहीं जीरो कोमा जीरो आपके पास सेटिस्फाई नहीं करता इसे अब यहां पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है अगर आप यहां पर x को जीरो पुट करते हो तो ये क्या बन जाता है ये आपके पास बन जाता है y इक्वल टू वन अगर आप यहां पर y को जीरो पुट करते हो तो क्या बन जाता है x इक्वल टू वन बेसिकली ये स्टेट लाइन आपको दी हुई है ये स्टेट लाइन ये स्टेट लाइन आपको दी हुई है अब आप तो जानते हो कि अगर ये स्टेट लाइन हो अनकाउंटेबल सेट ये स्टेट लाइन हो अनकाउंटेबल सेट ये स्टेट लाइन हो अनकाउंटेबल सेट ऐसे रोटेट कर दी तब भी अनकाउंटेबल सेट तो मेरे पास ये चीज तो मुझे नजर आ रही है कि बेसिकली ये जो बन रहा है वो एक अनकाउंटेबल सेट मेरे पास आ रहा होगा ये बात मुझे नजर आती है है ना ये बात हम लोगों को सोचने में कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ साथ अगर कोई से सोचना चाहे एक और तरीका मेरे पास है ध्यान से देखना मेथड वन तो ये बन ही गया मेथड टू हमारे पास क्या आता है कि अगर मैं एस इलेवन को ध्यान से पढ़ूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है वो सारे के सारे एक्सकोमा वाई आ रहे हैं जहां पर x प्लस वाई इक्वल टू वन बन जा रहा है यानी कि y इक्वल टू वन माइनस एक्स है सो x, कोमा वन माइनस एक्स टाइप के एलिमेंट्स जहां पर x रियल नंबर से आता है अब आप जानते हो कि आपके पास ये जो फर्स्ट बैठा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का इसमें जो x है यही मेरे पास अनकाउंटेबली मैनी चोइ ले सकता है इसके कोरोस्पॉ हर बार आपको एक नया मिल रहा होगा अब ये अनकाउंटेबली मैनी चॉइसिस हैं तो एस इलेवन यहां पर सीधा आप कह सकते हो कि एक अनकाउंटेबल सेट बन रहा होगा ठीक है इसी का कमेंट आया था आई थिंक ये कमेंट को वापस कर लिया गया तो ऐसे घबराया मत करो बेझिझक ठीक है बिना किसी चिंता के जो मन में आया करे लिख दिया करो यहां पर हम लोग साथ में मिलकर एक दूसरे को इंप्रूव करने के लिए जो चीजें देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं ठीक है हम लोग कमियां निकालने के लिए यहां पर नहीं है किसी ने गलत सोच लिया तो उससे ये थोड़ी ना है कि कोई बहुत गलत हो जाएगी चीज आज गलत सोच लिया ताकि हम लोग इसे ठीक कर सके और आने वाले समय पर हम लोग हमेशा जो सही अप्रोच है उसके पास जाने के चांसेस बढ़ जाए ऐसा थोड़ी ना होगा कि किसी ने अगर मान लो कोई पिछले बीस साल से चीजें पढ़ रहा है मान लीजिए तो हो सकता है किसी नए सवाल को सोचते हुए वो भी गलत अप्रोच ले ले अब ये बात सुनकर कभी कभी बहुत अजीब लगती है कुछ बच्चों को तो धक्का लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है आप लोग महसूस कीजिएगा कि जैसे हमारे पास देश के बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं आई आई टीज हैं आईजर्स हैं आई आई एस सी है, 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 है वहां पर ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो पिछले तीस साल से पैंतीस साल से अभी रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत शानदार रिसर्च की है ठीक है बट आज भी वो किसी नए मान लो किसी नए रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो अगर वो इसे अभी सोल्व करना चाह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो गलत रस्तों पर अभी जा रहे होंगे कि वो रिसर्च प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुआ है या फिर वो सही रस्ते के पास आराम आराम से जा रहे हैं कुछ नई चीज ट्राई करते हैं अगर वो काम नहीं करती तो दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं तो बेसिकली हमारा जो मैथ्स का नेचर है वो ऐसा ही नेचर है कि हम लोग इसमें चीजों को करते करते सीखते हैं जितना आप करोगे उतना आप इसमें बेहतर होते चले जाओगे बस इस बात का ख्याल रखना है तो तो अभी हम तो बहुत इनिशियल लेवल पर हैं, तो अभी तो हम लोग गलतियां कर सकते हैं बस मेन क्या है कि यदि गलती की है तो उससे सीखना है कि अगर मैं किसी सवाल को सोचने में यहां पर आज कोई गड़बड़ कर रहा हूं तो मुझे आज ये बात सीखनी है कि ऐसा मत करो कि अच्छा जैसे ही मैं, आ, मैंने कोई क्वेश्चन सोल्व करवा दिया वो सोल्व करते ही हम लोग क्या करने लगे कि अच्छा अच्छा ऐसे ही तो आंसर आना चाहिए था बताना कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को चार ऑप्शन दिए आपका बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर बी आ रहा है बट जैसे किसी ने सोल्यूशन बता दिया या आपने सोल्यूशन चेक कर लिया तो लगता है कि अच्छा अच्छा एक टू ही तो मिस किया था ये लो ऑप्शन या आंसर बन गया ऐसे मत किया करो ध्यान से देखा करो रुक कर कि अच्छा ये सवाल गलत क्यों हुआ क्या मैं कैलकुलेशन करते हुए जल्दबाजी कर रहा था क्या मैं कंसेप्ट uh, गलत सोच रहा था क्या मैंने सवाल को पढ़ने में गलती कर दी क्या मैं ऑप्शन लगाते हुए गलती कर रहा हूं अगर इन चीजों पर अभी से काम करोगे तो आने वाले समय में चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो वहां पर एक जो बहुत बड़ी दिक्कत स्टूडेंट फेस करते हैं जिसे हम लोग सिली मिस्टेक कहते हैं वो आप लोग मिनिमाइज कर पाओगे वो चीज ऐसी है कि एक दो क्वेश्चन तो अधिकतर लोग गलत कर कर आ रहे होते हैं ठीक है बट उसे हम लोग कम कर सकते हैं ऐसा ना हो कि हम लोग पांच दस सवाल लगा कर आए हैं उनमें सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही हैं तो उनसे बचना है ठीक है उत्कर्ष ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब एस इलेवन सभी लोगों को चमकता है एस इलेवन अनकाउंटेबल सेट बनता से मुझे नजर आ रहा है ठीक है अब एस इलेवन ए का भी थोड़ा सा आरंभ कर दिया जाए है ना इसका भी फटाफट शुरुआत कर दी जाए एस इलेवन ए क्या है एस इलेवन ए उन बच्चों को बहुत आसान लगेगा जिनको अभी जो मैंने दो रिजल्ट बताए थे वो दोनों के दोनों रिजल्ट उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए हुए हैं कि यदि मेरे पास ए सबसेट ऑफ बी हो अगर मैं बी को काउंटेबल प्रूफ कर देता हूं तो ए अनकाउंटेबल हो जाता है और यदि ए को हम लोग अनकाउंटेबल प्रूफ कर देते हैं तो बी अनकाउंटेबल हो जाता है।, है ना ये बात हम लोगों ने सीखी है अब यहां पर एस इलेवन ए में क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास एस इलेवन ए में वो सारे के सारे एक्स वाई बैठे होंगे बिलोंग्स टू आर टू सच दैट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू जेड बन जाए अब इसमें x प्लस वाई बिलोंग टू जड़ का मतलब क्या है इसमें एक ऐसा एलिमेंट बैठा होगा ना जैसे आप लोगों ने वन बाय टू पर बैठा होगा बिल्कुल बैठा होगा क्योंकि अपने पास पास इन दोनों का सम सम क्या आता है है मेरे पास बन जाता है, 1. ये होगा एस इलेवन ए में किसी ने पूछा क्या मेरे पास यहां पर थ्री बाय टू कोमा वन बाय टू आ रहा होगा थ्री प्लस वन ये आ गया मेरे पास फोर बाय टू ये बन जाएगा टू आपके पास तो ये भी मेरे पास एस इलेवन ए में आ रहा होगा ये बात मुझे नजर आती है यहां पर कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं होती है अब अगर ये दोनों के दोनों मेरे पास मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं ध्यान से देखना अब थ्री बाय टू वन बाय टू इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे होंगे तो मुझे एक बात नजर आनी चाहिए यहां पर कि एस इलेवन में जो एलिमेंट बैठे हुए थे जिनका सम वन आ रहा था वन भाई साहब तो मेरे पास क्या होते हैं ये तो मेरे पास एक इंटीजर होता है अब वन एक इंटीजर है यहां पर तो ये चीज बहुत अच्छे से मैं देख पा रहा हूं। क्या कि अगर हम लोग एस इलेवन ए को ध्यान से देखें तो एस इलेवन ए में वो सारे के सारे टाइप के एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जहां पर एक्स प्लस वाई इंटीजर होता है अब एक्स प्लस वाई इंटीजर होने का मतलब क्या है एक्स प्लस वाई मेरे पास इस सेट में बिलोंग करता हो जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री इसका मतलब तो यही होता है यानी कि x प्लस वाई या तो जीरो बने या फिर प्लस माइनस वन बने या फिर प्लस माइनस टू बने या फिर प्लस माइनस थ्री बने और सो और। इस तरह की बात हमारे पास नजर आती है बहुत अच्छे प्रीत बिल्कुल बहुत बढ़िया एस इलेवन ए भी अनकाउंटेबल बहुत बढ़िया यही बात हमारे पास आती है कि एक्स प्लस वाई मेरे पास जीरो आ गया तो हमारे पास हम लोग देखते हैं कि वाई इक्वल टू माइनस एक्स पूरी लाइन इस सेट में आ गईन ए में एक्स प्लस वाईक्वल टू वन आया टू माइनस वन आया ये सारी के सारी यहां पर बैठी होंगी इनमें से एक लाइन भी बैठती तो इसे अनकाउंटेबल बना देती यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एस इलेवन मेरे पास एस इलेवन सबसेट बनता है एस इलेवन ए का यानी कि S11 को अनकाउंटेबल प्रूफ किया तो S11A मुफ्त में अनकाउंटेबल बन गया अब मुझे अगर कोई इस सेट के बारे में बता दे तो एकदम से मन बहुत खुश हो जाएगा देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है ना मन को खुश कर देने वाला सेट है बस जितनी बात आप लोगों ने अभी तक की है इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और आप इस सेट पर कमेंट कर रहे होंगे बहुत आसानी से देखते हैं कौन कौन जवाब देता है एस इलेवन बी के बारे में एस इलेवन बी के बारे में जवाब देना शुरू करें काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल आएगा सिर्फ ये बता दें मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का रीजन क्या है आप लोगों का लॉजिक क्या है सिर्फ यहां पर बस मुझे एक छोटी सी बात और करनी है x प्लस वाई इक्वल टू वन वाले केस यहां पर आ गए x प्लस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री कुछ भी होता रहे तो सारे के सारे यहां पर आ गए ये सेट भी अनकाउंटेबल बन गया अब एस इलेवन बी में क्या कहानी बनेगी ये भी अनकाउंटेबल बहुत अच्छे नीतू बहुत बढ़िया क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ये जो x plus y, 0 plus minus 1 plus minus 2 बन रहे थे अब ये सारे integers, rational number भी तो होते हैं यानी कि ये इसका सबसेट बन गया और ये कहानी खत्म हो गई अनकाउंटेबल तो यहां पर आप लोग ये चीज महसूस करेंगे कि हमारे पास जब मैं बात करता हूं एस इलेवन एस इलेवन ए और एस इलेवन बी की तो यहां पर यदि आप एस इलेवन को पढ़ना जानते हैं तो उससे बड़ा कोई भी सेट आ जाए यदि आपने किसी एक सेट को अनकाउंटेबल प्रूफ कर दिया अब उस सेट को कंटेन करता हुआ दुनिया का कोई भी सेट अगर आपके सामने दे दिया जाए तो वो हमेशा अनकाउंटेबल बन रहा होगा ये बहुत पावरफुल चीज है इसको याद रखना ये दो बड़े बड़े धुरंधर सेट हमारे पास बहुत आसान हो गए जब हम लोगों ने इसे पढ़ लिया नीतू का जवाब बिल्कुल सही है प्रीत का जवाब बिल्कुल सही है उत्कर्ष का जवाब बिल्कुल सही है शिवानी का जवाब बिल्कुल सही है और मैं एक नया नाम देख पा रहा हूं अबाउट इंडिया ठीक है हालांकि सही नाम मैं यहां पर नहीं पढ़ पा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ते हैं वो अपना सही नाम बता दे मुझे ताकि मुझे याद रहे कि इस नाम का शख्स भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो अगर आप बताना चाहो तो नाम बता सकते हो बाकी लोग भी आपका नाम याद रख पाएंगे ठीक है और जवाब बिल्कुल सही है अनकाउंटेबल सेट मेरे पास बन रहा होगा कोई दिक्कत यहां पर आती नहीं है एस इलेवन देखना एक अच्छी बात है तो एस इलेवन अगर आप देख पा रहे हो तो अब समय है S12 के पास जाने का एक अच्छा सेट देखने का ध्यान से सुनना। S12 मेरे पास क्या है? S12 मेरे पास उन सारे के सारे x, comma, y टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन है, जिनके लिए जो x into y है, वो एक रेशनल नंबर आता है। एक रेशनल नंबर आता है। इसे बताएं सभी लोग। इसे बताएं सभी लोग ठीक है तो दीपांशी बताएं इसे शिवानी प्रीत नीतू उत्कर्ष ये सेट काउंटेबल बनेगा या अनकाउंटेबल बनेगा क्या कहानी लगती है बताना शुरू करें शुरू हो जाए अच्छा सेट है चैलेंजिंग क्वेश्चन है थोड़ा नेट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है पूछा गया सवाल है और आई थिंक एक बार से ज्यादा ही पूछा गया होगा क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस आप लोगों को अलग अलग सवालों में देखने को मिल जाते हैं तो इस सवाल को ट्राई कीजिए और बताएं कि यहां पर क्या कहानी बनेगी आप लोगों को बेसिक बातें याद होनी चाहिए जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए टेक्निक्स के तौर पर क्या चीजें हैं कि कोशिश करो या तो मैं सेट के पास कोई रिजल्ट लगा पाऊं या फिर मैं कोशिश करूं कि मैं अपने ट्रांसफारेंट कार्डियन नंबर का जबरा होता है उसको यूज कर पाऊं या फिर मैं कोशिश करूं कि मैं कोई अपनी टेक्निक की ए सबसेट ऑफ बी है अगर ए मेरे पास अनकाउंटेबल बन जाए बी अनकाउंटेबल आ जाएगा बी काउंटेबल आ जाए ए काउंटेबल आ जाएगा इन चीजों का यूज कैसे करें इस सवाल को देखकर अब जैसे आप लोगों के पास एक्स वाई आया रेशनल नंबर नीतू ने कहा कि ये काउंटेबल सेट बनेगा अब यहां पर दिक्कत पता क्या होती है एक छोटी सी दिक्कत मुझे जो लगती है कभी कभी बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं सोचकर जहां पर भी वो देखते हैं ना रेशनल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर्स मुझे बताना हमेशा जब भी कोई मन करता है तुक्का मारने के लिए है ना तुक्का मारने का मन करता है कि चलो गैस लगा देते हैं तो हमेशा अगर ऑप्शंस में आपके पास कहीं पर भी रेशनल दिख गया तो क्या मन में इच्छा आती है कि क्यों ना काउंटेबल लगा दिया जाए यहां पर तो मुझे लगता है किसी लॉजिक के साथ दिया होगा बट ये हमेशा रहता है कि हमारा मन थोड़ा सा बायस हो जाता है किसकी साइड हमारे काउंटेबल साइड क्योंकि आपको सवाल में नंबर नजर आ गया अगर इस बात में सच्चाई होगी तो फिर तो यहां पर तो ये भी काउंटेबल सेट था ये भी काउंटेबल सेट था तो यहां से तो कहानी नजर नहीं आनी चाहिए है ना ये तो दोनों अनकाउंटेबल सेट बने थे तो ये बेसिस नहीं होना चाहिए सवाल में गैस लगाने का या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि रेशनल नंबर आ गया तो सेट काउंटेबल बन रहा होगा और हम लोग अपना लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं कैसे में से काउंटेबल प्रूफ करो दोनों ही अप्रोच में हमें एक छोटा ट्रैप है कि जो आज तक बातें सीखी हैं ध्यान से सुनना जो बातें सीखी हैं उनका हमें यूज करना है सवाल को सही करने के लिए ना कि उनको हम लोगों को बाधा बनाकर खड़ा कर देना है सवाल को सही करने की दिशा में जाते हुए क्योंकि कभी कभी बच्चे यह करते हैं जो बातें पहले सीखी हुई हैं उन्हें बस याद करके उन्हें अब रिकॉल करते हैं कि मैं कैसे किसी तरीके से अप्लाई कर दू नहीं लॉजिकली चलो आराम से चलो ध्यान से सुनना अगर मैं यहां पर बात करूं एक्सवाई क्या दिया गया रेशनल नंबर अगर एक्स वाई मेरे पास रेशनल नंबर में बिलोंग करता है तो हमारे पास यहां पर हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि मेरे पास अगर हम लोग एक्स को लें और वाई की जगह वन बायक्स को लें तो एक्स को मैं वन बायक्स टाइप के एलिमेंट्स जो कि आर्ट में बिलोंग करते हैं जब मैं x इंटू वन बाय करता हूं वन आता है यानी कि x इंटू वाई क्या है इक्वल टू वन आ रहा है ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास क्या S12 में बैठे होंगे हाँ, ये S12 में बैठे होंगे बहुत 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 अच्छे उत्कर्ष बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसे ही सोचना है हम लोगों को अब एक्स वाई इक्वल टू वन आ गया मेरे पास तो मैं जानता हूं कि कोई भी अगर मेरे पास कर्व दी हुई है ये कैसे कर्व है वाई इक्वल टू वन बाय ग्राफ कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा हम लोगों को ऐसा ग्राफ नजर आ रहा होगा अब मुझे पता है कि x मेरे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो अनकाउंटेबली मैंने चोसेज आ रही होंगी यहां पर टू आया ये सेट आएगा विच इंप्लाइज कि एस ट्वेल्व मेरे पास अनकाउंटेबल सेट, सेट आ रहा होगा एस ट्वेल्व मेरे पास अनकाउंटेबल सेट आ रहा होगा ये बात हमें नजर आती ठीक है, है? दीपांशिया कहने की एमपी सेट के लिए रियल के क्वेश्चन करवाने हैं आई थिंक वहां पर सिलेबस में काउंटेबल एंड काउंटेबल सेट तो होगा ही दीपांशी हा या ना अगर वहां पर रियल पूछा जाता है तो काउंटेबल एंड काउंटेबल सेट के क्वेश्चन तो वहां पर शत प्रतिशत आ ही रहे होंगे क्योंकि अगर आप सेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी जगह किसी भी स्टेट के सेट में किसी भी स्टेट के आप लोग एग्जाम में चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दे रहे हो तो वहां पर रियल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इस तरह के सवाल वहां पर आप लोगों को शत प्रतिशत देखने को मिल रहे होंगे ठीक है तो इन की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं साथ ही साथ आने वाले में हम बेसिकली जो तो पॉइंट सेट उसे स्टार्ट कर रहे होंगे आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने रियल से शुरुआत की है आने वाले टाइम पर हमारे जो बाकी पेपर है उनको भी हम जो उनके महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे जो पेड बैचेस है वहां पर सब चीजें चल ही रही हैं वहां पर तो रियल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बिल्कुल तसली चीजों को देखते हुए चलते हैं साथ में प्रैक्टिस करते हैं बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों लोग कहां पर दिक्कत आती है वहां पर ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं ठीक है तो दो चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं हम लोग सुबह मिल रहे होते हैं साढ़े ग्यारह बजे जहां पर आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स चल रहा है तो वहां पर भी दीपांशी हम लोग अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिसमें पीवाई क्यूज तो रहते ही रहते हैं और नए सवाल तो हम लोग वहां पर डिस्कस करते ही हैं है तो वहां पर आप इस टॉपिक के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अभी हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट तक की बातें कर चुके हैं यूट्यूब पर हम लोग पांच बजे मिलते हैं हर रोज जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार टाइम बता देता हूं पांच से छ हमारा रहता है हम लोग यहाँ पर हर रोज मिल रहे होते हैं हर रोज यानी कि मंडे टू फ्राइडे मिल रहे होते हैं यहां पर हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट पढ़ चुके हैं आगे आने वाले टॉपिक हम लोग मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि पॉइंट सेट टोपोल जी उसके बाद हम लोग साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको किस टॉपिक को पढ़ना है हम लोग फिर उसके पास चल रहे होंगे तो अभी तो हम लोग इन चीजों को देख ही सकते हैं किसी कोई डाउट आया करे तो मेरे पास भेज दिया टेलीग्राम पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ हालांकि बहुत सारे डाउट्स सा आ जाते हैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक को वहां पर रिप्लाई कर पाऊ ठीक है और इनके रिगार्डिंग आप लोगों का लेक्चर कब होगा किस प्लेटफॉर्म पर होगा आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप लोग देख पा रहे होंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके पास जो चैट बॉक्स है इसमें सबसे ऊपर है आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहां पर बिल्कुल उत्कर्ष वहां पर जब आपका लेक्चर हुआ करेगा अगर उसमें कोई चेंजेस भी हैं जैसे कि अगर मान लो किसी दिन लेक्चर पांच मिनट लेट हुआ दस मिनट जल्दी हुआ जब भी अगर कोई चेंज भी हुआ आधा घंटा लेट हो गए ऐसा होता नहीं है अगर कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से भी कभी ऐसा होता है तो वहां पर आपको हर अपडेट मिल रही होगी और वहीं पर इवन आपको लिंक मिल रहा होगा कि जैसे यूट्यूब का जो लेक्चर होने वाला है उसके लिए आपको यूट्यूब पर यह नहीं की आधा घंटा पहले आगे चलो कुछ वीडियो देख लेते हैं और लेक्चर के लिए आए थे बाद में देखा कि लेक्चर छोड़कर बाकी सब कुछ देख लिया है ठीक है तो टेलीग्राम पर आपके पास लिंक आएगा सीधा आप लिंक से यूट्यूब पर इस लेक्चर में पहुंच जाए करोगे सेम जो साढ़े ग्यारह बजे लेक्चर होता है वो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर होता है आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए रजिस्टर रजिस्टर कर लीजिए वहां पर जैसे कि लाइव बैचेज रहते हैं वैसा ही आप लोगों को पूरा इंटरफेस देखने को मिलता है ताकि हम लोग उसमें भी चीजें डिस्कस कर सके वहां पर भी चीजें समझ सके उम्मीद है सारी बातें सभी लोग क्लियर हो गई होंगी यहां तक किसी कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताएं नहीं तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के पास और मानकर चलिए कि हम लोग कौन सा सेट देख चुके हैं S12 तक देख चुके थे ना हाँ ये रहा S13 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर ठीक है आजकल तो बड़ा दौर चल रहा है फिर से आप लोगों के कुछ शोज आने वाले हैं और हमारा अभी यहीं पर करोड़पति बना जा रहा है ठीक है सवालों को ट्राई कीजिए जितना सवालों के साथ आप बातचीत करोगे एग्जाम के दिन उतना प्यार से वो आपके साथ बातचीत कर रहे होंगे चलिए एक्सएन आपके पास दी हुई है यहां पर वो सारी की सारी सिक्वेंसेज जहां पर एक्सएन क्या हो सकता है जीरो या वन अब ये सेट मेरे पास काउंटेबल आएगा या अनकाउंटेबल इसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बट उससे पहले मुझे एक बात बताएंगे सभी लोग कि अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सीक्वेंस होती क्या है क्या कोई डेफिनेशन बता पाएगा जितना शॉर्ट में लिख पाओ कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मेरे पास सीक्वेंस क्या होती है सीक्वेंस क्या होती है क्या कोई जवाब बता पाएगा अब कुछ बच्चों के मन में आ गया होगा कि अरे हम तो बचपन से सीक्वेंस पढ़ते आए हैं हमसे सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछोगे ठीक है ऐसे नहीं करना है घमंड नहीं करना है बता दो जो मन में आए अब मान लो किसी और को नहीं पता होगा तो आपके जरिए पता चल जाएगा बताएं एक बार फिर भी सभी लोग अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सिक्वेंस क्या होती है मन में पहला ख्याल क्या आता है क्या विचार आता है यानी कि अगर आपका मान लो कोई बीएससी का छोटा भाई बहन आपके पास आ गया उसने पूछा कि भैया दीदी कि हमारे पास सिक्वेंस क्या होती है उसे क्या जवाब दोगे सोनी टीवी पे आता है हाँ ये तो बात है और हमारा यहां पर आप लोगों के बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे हैं ठीक चलिए बताएं सभी लोग सिक्वेंस होती क्या है ऐसा तो नहीं है कोई कि किताब खोलकर देखने लग गया है सर्च करने लग गया है इतना बड़ी चीज नहीं है देखिए सीक्वेंस को समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी बात समझनी होगी कि हमारे पास सीक्वेंस कुछ ऐसी कोई बाहरली दुनिया से आई हुई चीज नहीं है है ना किसी दूसरे गोले से आई हुई चीज नहीं है सीक्वेंस बहुत सर्वसाधारण सी चीज है हमारे पास हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है कोई भी फंक्शन अगर मेरे पास दिया हुआ है नेचुरल नंबर से किसी नॉन एम्प्टी सेट पर हम लोग जानते हैं कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होते हैं दोनों के दोनों अगर मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से किसी नॉन एम्प्टी सेट बी पर तो ये हमेशा कहलाता है सीक्वेंस बस यहां पर कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं क्या कि हम लोग सीक्वेंस को जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम इसके एलिमेंट्स को जो इसकी इमेजेस हैं उन्हें एक प्रॉपर तरीके से लगाते हैं कैसे एफ ऑफ वन पहली एलिमेंट बनता है एफ ऑफ टू सेकेंड एलिमेंट बनता है एफ ऑफ थ्री थर्ड एलिमेंट बनता है एंड सो ऑन ये कहानी हमारे पास होती है फंक्शन फ्रॉम ठीक है नीतू ने लिखा नेचुरल नंबर टू एनी नॉन एम्प्टी सेट बहुत बढ़िया आई थिंक यहां पर नीतू लिखना चाह रही होगी बी नॉन एम्प्टी टी नॉट इक्वल टू फाइव बहुत बढ़िया फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर को डोमेन नॉन एम्प्टी शिवानी बहुत बढ़िया uh, दीपांशी ने कहा कि फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर ये डेफिनेशन में हमेशा कहता हूं कि एक हद तक ठीक है बट ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है जैसे कि क्यों हमारे पास ये बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट बट अगर मैं इसे आर कहता हूं तो फिर एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस बन जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं रियल सीक्वेंस रियल सीक्वेंस अब अगर किसी ने कह दिया कि मेरे पास सीक्वेंस तो वो फंक्शन होते हैं जो नेचुरल नंबर से आर पर डिफाइन किए गए हैं फिर उस बच्चे से सवाल पूछ लिया जा सकता है क्या कि अगर आपको ये फंक्शन दे दिया गया जी फ्रॉम एन टू तो सी जी ऑफ एन इक्वल टू आयोटा बाय बाय क्या ये सीक्वेंस नहीं बनेगा ये भी एक सीक्वेंस बनेगा आयोटा आयोटा बाय टू आयोटा बाय थ्री आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस तो हमारे पास रियल सीक्वेंस के साथ हम लोग अधिकतर डील कर रहे होते हैं इस बात में सच्चाई है बट ये नहीं मान लेना है कि रियल सीक्वेंस ही हमारे पास इकलौती टाइप की सीक्वेंस होती है ठीक है हमारे पास रेशनल सीक्वेंस भी होती है सीक्वेंस ऑफ नेचुरल तो नंबर्स भी होती है जो कि इसी कैटेगरी में आ जाते हैं बट उनकी कुछ खास अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, में उनके साथ उनके बात कर रहे होंगे है? पास सीक्वेंस है, है वो बेसिकली क्या होती है फ्रॉम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टू एनी नॉन एम सेट तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे दिया गया है एस थर्टीन ये क्या है ये आपके पास दिया गया है उन सारी सीक्वेंस कलेक्शन जिनकी जो टर्म है वो या तो जीरो बनती है या वन बनती है बेसिकली हम लोग जो ये में आता है उसे क्या लिखते हैं कह देते हैं एफ ओ टू उसे क्या कह देते हैं एक्स टू कह देते हैं ये मेरे पास एक्स वन एक्स टू क्या बनती है सीक्वेंस की टर्म्स बनती है तो जो एस थर्टीन दिया गया है इसे अगर मैं लिखना चाहूं ये उन सारे के सारे आपके पास फंक्शन कलेक्शन है जो कि डिफाइन किए जा रहे हैं कहां से कहां नेचुरल नंबर से सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट पर यही तो सीक्वेंस बनने वाले हैं तो अब मुझे सभी लोग फटाफट पंद्रह सेकंड के अंदर जवाब दे दो कि अगर एस थर्टीन उन सारे फंक्शन के कलेक्शन है जो कि नेचुरल नंबर सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट पर डिफाइन किए गए हैं तो ये बनेगा या गएकाउंटेबल अब मुझे सभी से जवाब चाहिए नीतू उत्कर्ष दीपांशी शिवानी उत, और कौन बच गया प्रीत सभी लोगों से जवाब चाहिए अब समय नहीं लगना चाहिए इसको बताने में हमें नजर आ गया कि अगर आपको कोई कलेक्शन दे उन सारी सिक्वेंसिस की जिनकी टर्म्स या तो जीरो बनती है या वन बनती है तो ये भाई साहब किसके बराबर होता है ये मेरे पास जो सेट है बेसिकली उन सारे फंक्शन का कलेक्शन जो कि नेचुरल नंबर से जीरो वन पे डिफाइन किए गए बहुत अच्छे दीपांशी बहुत बढ़िया ये तो मेरे पास क्या बन रहा है ये मेरे पास बन रहा है एक अनकाउंटेबल सेट तो एस थर्टीन भी क्या बनेगा एस थर्टीन भी मेरे पास बन रहा होगा एक अनकाउंटेबल सेट तो मुझे बात नजर आ गई कि अगर मुझे S13 को देखना है ये क्या बन रहा था S13 मेरे पास कलेक्शन था सारी की सारी सिक्वेंसेज की जिनकी एंट्रीज कहां से आती 0 जीरो वन से कलेक्शन ऑफ ऑल द सिकवेंसेज एंट्रीज एंट्री आइदर जीरो और वन यहां पर आप लोग महसूस कीजिएगा चीज कि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण चीज है सवाल देख लिया कोई बात नहीं ठीक है महसूस करने लायक चीज है हमारे पास अगर सिर्फ दो नेचुरल नंबर दे दिए जाए जीरो और वन सिर्फ दो नेचुरल नंबर उनका यूज करके जो हम लोग सिक्वेंस बना सकते हैं वो अनकाउंटेबली में आ रही है यानी कि एक सीक्वेंस किसी ने बना दी वन जीरो वन जीरो वन जीरो किसने सीक्वेंस बना दी वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन कितने लोग ये महसूस कर पा रहे हैं सिर्फ दो नेचुरल नंबर का यूज करके आप लोग अनकाउंटेबली मैनी सीक्वेंस बना पा रहे हो कितनी पावरफुल चीज है कितनी पावरफुल चीज है बहुत ध्यान से महसूस करना सवाल के तौर पर देख पाना ठीक चीज है कोई दिक्कत नहीं है बट ज्यादा आप लोगों को यह महसूस होना चाहिए ठीक है कि ये मेरे पास एक अनकाउंटेबल सेट बन रहा होगा जवाब क्यों आया ये मेरे पास मैं जानता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जो फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, वो कितने बनते हैं? Power, की power, बन गया, तो ब्रीथ ये अनकाउंटेबल बन जाने वाला है ठीक है अब अगर मैं इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना सभी लोग हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ये चीज करते आए थे कि अगर मुझे दो सेट दे दिए जाते हैं ए वन और ए टू कितने लोगों को याद है कि ए वन क्रॉस ए टू क्या बन जाया करता है ये मेरे पास एवन कोमा ए टू टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन होगी जहां पर ए वन ए वन से आता है और स्मॉल ए टू कैपिटल ए टू से आता है है ना हम लोग बचपन में से कह दिया करते थे कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या हम लोग इसे तीन सेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं ये अगर मेरे पास टू सेट के बीच में डिफाइन किया है तो ये बनता है टू टपल अगर तीन एलिमेंट्स होंगे तो थ्री टपल अगर चार एलिमेंट्स होंगे तो फोर टपल पांच एलिमेंट्स होंगे तो फाइव टपल और अगर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे तो वो इनफाइनाइट टपल बन जाएगा ध्यान से देखना अगर मैं डिफाइन करता हूं मेरे पास प्रोडक्ट आई इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ए आई ये क्या बन जाएगा ए वन क्रॉस ए टू क्रॉस ए थ्री एंड ऑन यहां पर यहां पर जो आपके पास टपल मिलेगा वो इनफाइनाइट टपल बनेगा एवन ए टू ए थ्री जहां पर ए आई कहां से आ रहे हैं कैपिटल ए आई से महसूस करना ये जो इनफाइनाइट टपल है ये बेसिकली एक सीक्वेंस ही तो है इनफाइनाइट टपल है सीक्वेंस ही तो है जिसकी पहली एंट्री कहां से आती है ए वन से कैपिटल एवन से दूसरी एंट्री कहां से आती है कैपिटल ए टू से तीसरी एंट्री कहां से आती है कैपिटल ए थ्री से ये बातें हम लोगों को नजर आती है बहुत खास चीज होने वाली है पूरा फोकस के साथ पांच मिनट तक ध्यान से सुनना सब चीजें क्लियर हो रही होंगी ध्यान से देखना हमारे पास अगर मैं हमारे पास अगर मैं बात करता हूं एक नया सेट बनाने की एस थर्टीन तक हम लोग बात कर चुके हैं एस फोर्टीन को मैं अगर लिखना चाहूं क्या एस फोर्टीन मेरे पास प्रोडक्ट है AJ टाइप के सेट्स की जहां पर ये जो AJ है ये आ रहा है सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स फॉर एवरी जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि ए वन में भी ये दो एलिमेंट है ए टू में भी दो एलिमेंट है ए थ्री में भी एलिमेंट है यानी कि मेरे पास ये उन सारे इनफाइनाइट टपल से कलेक्शन है जिसका हर एक एलिमेंट मेरे पास जो इनफाइनाइट टपल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड, थर्ड या तो जीरो बनता है या वन बनता है कितने लोग देख पा रहे हैं कि जितनी सीक्वेंसेस बनती हैं सेट अपने पास जितनी सीक्वेंसेस बनती हैं इन दो एलिमेंट्स वन एंड जीरो का यूज करके उतने ही एलिमेंट आ रहे होंगे इस सेट में यानी कि मेरे पास जो ये एस फोर्टीन बन रहा है ये मेरे पास एक अनकाउंटेबल सेट बन रहा होगा क्योंकि जितनी सिक्वेंसेज आती है वो कितनी आती है में पहली बात ऑब्जर्व करने लायक एस फोर्टीन क्या बनेगा अनकाउंटेबल सेट बनेगा ये मेरे पास अनकाउंटेबल सेट बन रहा होगा जबकि अगर मैं खास बात यहां पर आपको कहूं ऑब्जर्व करने लायक इसे आप एक तरीके से और कर सकते हो कैसे आप लोग बचपन से करते आए हो कि ए वन क्रॉस ए टू की कार्डिनलिटी कितनी बनेगी वन ऑफ ए टू अगर यहां पर आपके पास पूछा जाए कार्डिनलिटी ऑफ कितनी बनेगी ए वन कार्डी टू ए टू कार्लू कितने टाइम्स एल एफ नोट टाइम्स टू रिस्ट पॉल एल एफ नोट बन गया अनकाउंटेबल सेट आ गया कोई दिक्कत मुझे आई नहीं यहां पर मैं देख पा रहा हूं बट खास बात ऑब्जर्व करने वाली क्या बनती है कि मेरे पास यहां पर मैं किसी भी नेचुरल नंबर जे के लिए देखूं जो मेरा ए जे आ रहा है उसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं यानी कि ए जे मेरे पास काउंटेबल सेट आता है हमेशा मेरे पास ए जे काउंटेबल सेट आता है यानी कि आप लोग अगर एक चीज के ऊपर बात करें हम लोग रिजल्ट पढ़कर आए थे कि फाइनाइट कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स मेरे पास काउंटेबल होता है अगर मेरे पास फाइनाइटली मेनी

काउंटेबल सेट बन रहा होगा तो हमारे पास इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि मेरे पास अगर हम लोग इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं इनफाइनाइट कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ उंटेबल सेक्स डी नॉट टू बी काउंटेबल हम लोगों के पास एग्जाम्पल है कि वो अनकाउंटेबल आता है ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने आज साथ ही मिलकर देखे अब एक क्वेश्चन जहां से हम कल की शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना होता है ट्राई करने के साथ साथ आप लोगों को उसका जो आंसर आ रहा होता है वो लिखना होता है कमेंट बॉक्स में और फिर हम अगले सेशन से पहले जब जब बच्चे जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं तो उनके जवाब को सराहना मिलती है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सभी लोग जवाब दे रहे होंगे जिनका आंसर आ जाएगा और ताकि बाकी लोगों की मदद मिले बाकी लोग भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे कि अच्छा कुछ लोग जवाब दे रहे हैं तो हमें भी सवाल को सोचना है वो एक बहुत शानदार चीज है अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बाकी लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है चलिए सवाल आप लोगों के सामने क्या है मैं आप लोगों को एक सेट देने जा रहा हूं सेट मेरे पास क्या है एक सेट ए वन में उसका नाम रख रहा हूं वो सारे के सारे वहां पर सिक्वेंसेज यहां पर बैठी हुई हैं, जिनकी टर्म या तो जीरो बनती है या वन बनती है तो अगर किसी बच्चे से पूछा कि ये सेट काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल बच्चे ने सीधा जवाब दिया कि ये तो अनकाउंटेबल सेट बन रहा होगा बट मैं यहां पर एक छोटी सी कंडीशन लगा रहा हूं कि यहां पर जो एक्सएन है वो बन वन बन रहा है फोर एग्जैक्टली वन एन वो सिक्वेंस लेनी है जिनमें जो एक्सन है वो एग्जैक्टली exactly एक एन के लिए वन बन, बन रहा हो बस बाकी सब के लिए जीरो बन रहा हो हो सकता है कि वो पहली टर्म पे वन बन, बन जाए बाकी सब पे जीरो आना पड़ेगा हो सकता है कि वो दूसरी टर्म पे अपने पास वन बन, बन जाए बाकी सब पे जीरो आ रहा होगा बस बनेगा एक के लिए ही ये काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल आपको बताना है ए टू सेट में मैं हल्का चेंज कर रहा हूं सारी बातें सेम है एक्सन मेरे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स एन मेरे पास जीरो और वन ही आपको लेकर चलना है बस कहानी क्या है अब एक्स एन इक्वल टू वन किसके लिए है, exactly कि हो सकता है पहली टर्म भी वन बन जाए और दूसरी टर्म भी वन बन जाए हो सकता है पहली और तीसरी टर्म वन बन, बन जाए हो सकता है पहली पांचवी टर्म वन बन, बन जाए तो इस तरीके से मेरे पास वहां पर दो टर्म्स के लिए एग्जैक्टली वन आएगा ऐसी कितनी सीक्वेंसेस बनेंगी ये आपको सोचना है एंड लास्ट सेट आप लोगों के लिए ए एन में अगर आप लोगों के ए एन कहें या ऐसे कोई नाम रख देता हूं चलो मैं एस रख देता हूं उसका नाम एस में सेट बना देता हूं वो सारे के सारे एक्शन आपको लेने हैं सच दैट एन इक्वल टू जीरो और वन एक्स एन इक्वल टू वन फॉर मोस्ट फॉर मोस्ट फाइनाइटली मेनी एन तो पहले दो का जवाब तो मुझे सभी लोगों से चाहिए ही चाहिए लास्ट वाले में थोड़ा सा हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा उसका भी रीजनिंग सभी लोग लिखने की कोशिश कर रहे होंगे इन दोनों के जवाब तो सभी लोगों को देने ही देने हैं ठीक है ए वन ए टू तो सभी लोगों का हो ही जाना चाहिए सोचना जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा इस तरह के सवालों से हम लोगों को समझ में आ रहा हो किस तरीके से बातचीत की जाती है ठीक है सो मुझे उम्मीद है सारी बातें सभी लोगों तक तो बहुत अच्छे से पहुंच रही हैं आने वाले समय में हम लोग और शानदार चीजें करने का प्रयास कर रहे होंगे साथ ही मिलकर तो हम लोग जो जो चीजें करते जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर मैं वहां आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा वहां से ही सभी चीजें आप लोगों तक तो पहुंचती रहेंगी ठीक है बाकी बातें हम लोग करेंगे अपने आने वाले सेशन में कल सुबह हम लोग मिलेंगे साढ़े ग्यारह बजे साढ़े ग्यारह बजे मास्टर क्लास के लिए और कल शाम को फिर से पांच बजे हम लोग मिल रहे होंगे हम लोग कल कोशिश करेंगे कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखें आप लोगों के जो पी वाई क्यूज और वो सब चीजें देखने की कोशिश करेंगे और चीजों को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे पांच बजे और साढ़े ग्यारह बजे तो आप लोगों के सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हम लोग शानदार तरीके से बातें कर ही रहे हैं हर रोज वहां पर बच्चे जवाब देते हैं कि लिमिट्स क्या आई और वहां पर हम लोग डिस्कशन ही ज्यादा करते हैं और चीजों को वहां पर रिविजन भी हम लोग आगे कर रहे होंगे प्लान वहीं पर चीजों को लेकर तो मिलते हैं कल आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोग इस सवाल को देखिए इस सवाल को सोचिए और इस सवाल का जवाब कमेंट में सभी लोग दे रहे होंगे कल के सेशन से पहले बट उम्मीद है पहले दो तो आपको आज ही अभी क्लिक कर जाएंगे बस कोशिश यह करनी है सोचना है कि किस तरीके से हम लोग कौन सा रिजल्ट लगाए और किस तरीके से बात करने की कोशिश करें चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में थैंक यू वेरी मच कल चीजों को आगे लेकर चलते हैं